مجلس نعمل انت شو غادي जनाब, मेरा नाम मुदस्सिर अहमद है। मैं पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर हूं। सर, हम अभी यहां बॉटनिकल गार्डन की पार्किंग में अभी खड़े हैं। ये सारे मेरे पीछे जो आपको भाई दिख रहे हैं, ये भी टैक्सी ड्राइवर सारे हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे यात्रा के दौरान एक ऑर्डर निकाला था कि यहाँ से सर्विस चेंज होगी, यानी कि जो हमारी गाड़ियाँ है वो यहाँ पे स्टॉप होगी। इसके बाद यहाँ से टेम्पो ट्रैवलर यहाँ से हमारी सवारी को ऊपर कैरी करेंगे। मसलन चश्मा शाही या परी महल वो जाते हैं, वो टेम्पो ट्रैवल में जाएंगे। अभी तक वो ऑर्डर कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन अभी हमारे भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो अभी हमें ये भाई जो है इनका जो गेस्ट आया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे इनका रेट जो रखा था वो 50 रुपीज पर पैसेंजर को रखा था, यानी कि अप डाउन जो रिटर्न है 50 रुपए रेट रखा था। लेकिन जो हमारे भाई ने अभी हमें बताया कि यहाँ पे हमारे गेस्ट को 600-700 रुपए ये चार्जेस लेते हैं। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि एक तो हम यहाँ श्रीनगर के ही है, हमारी भी J&K रूट परमिट गाड़ियां है, हमारे पास भी वही गाड़ियां है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यहाँ पे रोक के रखा था। कोई हमें उसके साथ कोई इशू नहीं है। उन्होंने क्या सोच के रखा था, वो DC साहब ने सोच रखा होगा कि किस हिसाब से उन्होंने रोका है। लेकिन मेहरबानी करके आप इस मसले पर नजरसानी कीजिए। एक तो ये ओवर चार्जेस कर रहे हैं, दूसरा जिस ड्राइवर ने ओवर चार्ज किया उनसे हमने पूछताछ की, वो हमें बता रहा है कि हम फुल बुकिंग ले रहे हैं ओवर चार्जेस। फुल बुकिंग क्या ले रहे हैं, वो उनकी गाड़ी है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में हमें परमिट जो होता है वो 7 पैसेंजर्स का परमिट होता है। वो बोल रहा है कि मैंने 10 पैसेंजर्स उठाए, मैंने फुल बुकिंग ली। खुदारा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि वो 10 पैसेंजर्स कैरी कर रहा है यहाँ से, खुदा ना खास्ता ये हिली रोड है, किसी पैसेंजर को किसी, जब वो 10 पैसेंजर कैरी कर रहा है, किसी गाड़ी को कुछ हो गया तो वो 10 पैसेंजर का कौन जिम्मेवार होगा, जबकि हमें साथ ही जो हमारा जो परमिट है, हमारे जो पासिंग है वो 7 पैसेंजर्स की है, हमारी गाड़ी 7 सीटर्स की है। वो ड्राइवर हमें बोल रहा है कि मैं 10 भर रहा हूँ। दूसरा, जो आवर चार्जेस हो रहे हैं, हम गेस्ट को बोल रहे हैं आपको खाली 50 रुपये देना पड़ रहा है या देना पड़ेगा यहाँ से ऊपर के लिए, जब वो यहाँ पे आता है कि उनसे बोलते हैं वो 600-700 रुपये। ये कौन सा कानून है यहाँ पे, हमें ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन शायद सोई हुई है। मेहरबानी करके हम पे भी रहम कीजिए, और जहाँ पे ये और जो यहाँ पे टूरिज्म आता है, जो टूरिस्ट आता है, उनके लिए सहूलियत फराहम कीजिए। उनको 10 जगह गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती है, उसके लिए मेहरबानी करके हमारी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस मसले पर नजरसानी कीजिए। असली जो गवर्नमेंट ने रेट रखा है, जो फुल गाड़ी जाएगी 50 रुपए के हिसाब से, वो 350 रुपये होता है, लेकिन ये डबल चार्जेस लेते हैं, 700 रुपये चार्जेस लेके, और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि हम फुल गाड़ी लेते हैं, हम 10 बंदे बिठा रहे हैं गाड़ी में। यहाँ के हम यहाँ पे अभी ट्रैफिक वालों के पास गए, हमने उनसे ये क्वेश्चन किया कि ये 10 सवारी कौन सा ये कानून है, कि क्या आप यहाँ पे चेक नहीं कर रहे हो आपने। उन्होंने बताया कि हमारी नॉलेज में ये नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाइए, आप उनसे ये कर। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि खासतौर पर इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि ओवर चार्जेस क्यों हो रहे हैं। मेरा नाम जहांगीर है, मैं अपने गेस्ट लेके यहाँ पे आया था। मेरे गेस्ट का आज लोकल साइड सीन था, तो डलगेट से यहाँ पिकअप करके जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ उनको दूसरी गाड़ी मुझे चेंज करनी पड़ी। चलिए, एज अ रूल मुझे पता है कि यहाँ पे गाड़ी चेंज होती है, तो जैसे मैं उनको यहाँ पे लेके आया तो जो एज पर रूल है 50 रुपीज पर पर्सन, तो मेरे 6 गेस्ट थे उनका 350 रुपीज बनता था, लेकिन इन्होंने मुझे यहाँ पे डिमांड किया 700 रुपये, जबकि मैंने उनको ये बोला कि 700 रुपये किस चीज़ के, हमारे जो नॉर्मली रेट्स आपने यहाँ पे चेस्पॉन किए हैं, चाहे टेम्पो में जाए या चाहे दूसरी गाड़ी में जाए, तो 50 रुपये पर पर्सन रहता है। लेकिन जो उस गाड़ी का ड्राइवर था, स्कॉर्पियो गाड़ी का ड्राइवर था, वो बहुत ही रूड था, उसका लहजा तरीका बात करने का सही नहीं था। उसका यही कहना था कि रेट यही है, आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो नहीं जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत नाइंसाफ़ी है हमारे टूरिस्ट के लिए, क्योंकि हम टूरिस्ट के साथ पूरा एक हफ्ता रहते हैं, पूरा हफ्ता हम उनको हर जगह पर लेके जाते हैं। और जैसे ही मान लीजिए कि आज मेरा लोकल साइड सीन है, अभी मैं श्रीनगर से खाली यहाँ पहुँचा, यहाँ पे मुझे गाड़ी चेंज करनी पड़ी, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जो गेस्ट मिसाल के तौर पर मेरी गाड़ी के 3000 रुपये पर डे देता है, उसको यहाँ पे 600-700 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, तो लगभग 2700 रुपये हो गए। ऐसी और भी जगह हैं जहाँ पे उनको एक्स्ट्रा रेट देने पड़ते हैं, तो टूरिस्ट के लिए ये बहुत सही नहीं है। जैसे टूरिस्ट मतलब उसको कन्वीनियंस होना चाहिए ट्रैफिक मतलब गाड़ी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, उसके लिए कन्वीनियंट नहीं हो रहा, उसके लिए महंगा पड़ रहा है। बाद में ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट पे आती है कि ओवर चार्जेस वगैरह हो रहे हैं, हर जगह पे बिल्कुल फिक्स हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपको पता है टूरिस्ट प्लेसेस पे ऑलमोस्ट हर जगह पे रेट डबल हो जाते हैं, ये समझ के कि टूरिस्ट है चले उसके पास बहुत पैसे होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से ये सही नहीं है। एज अ टूरिस्ट ड्राइवर मुझे ये लगता है कि ये सही नहीं है, गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सोचना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि टूरिस्ट के लिए भी कन्वीनियंट रहे, तभी एक टैक्सी ड्राइवर के लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। ऑब्वियसली इन चीज़ों के लिए हम तो उनसे रब्ता करेंगे, उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। जब टूरिस्ट हमारे लिए यहाँ पे सही रहेगा तभी हमारा रोज़गार भी सही रहेगा। मेरी यही अपील रहेगी कि इन चीज़ों पर नज़रसानी की जाए, इन चीज़ों को नज़र में रखा जाए, ओवर चार्जेस नहीं होना चाहिए, ओवरलोड नहीं होना चाहिए, इसमें टूरिस्ट की सेफ्टी है। हम पेशे से सारे यहाँ पे सेल्फ ड्राइवर्स हैं, मेरा नाम तनवीर अहमद है और मैं भी पेशे से एक सेल्फ ड्राइवर हूँ। देखिए हमारी ये अभी गवर्नमेंट से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हम जब भी गेस्ट को उठाते हैं गाड़ी में हम उनको एक पैकेज लेके उठाते हैं, हम उनको बोलते हैं सोनमर्ग लेके जाएंगे, गुलमर्ग लेके जाएंगे, पहलगाम लेके जाएंगे, और जो श्रीनगर की जो लोकल साइट्स हैं इसमें हम इनको 5 पॉइंट्स हम इनको बोलते हैं, 5 to 6 पॉइंट्स हम इनको बोलते हैं, हम उनको वो चार्ज लेते हैं, चाहे हम 3000 लेते हैं या चाहे 2700 रुपीज लेते हैं। फिर जब हम इन जगहों पे पहुंचते हैं, जैसे कि हमारा निशात है, शालीमार है, चश्मे शाही है, परी महल है, और इसमें शंकराचार्य टेम्पल भी है। अब इसमें क्या है कि अगर कोई मुस्लिम है वो शंकराचार्य टेम्पल नहीं जाना चाहता है तो उनको हम कुछ दिखा नहीं पाते, हम उनको शालीमार और निशात दिखाते हैं, और चश्मे शाही परी महल के लिए उनको दूसरी गाड़ी करनी पड़ती है और वो मुकदमा हमें पड़ता है, वो हमें बहुत कुछ सुनाते हैं, बोलते हैं फिर आप किस चीज़ के चार्जेस लेते हो हमें। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, कि ये रिलीज कर दिए जाए हम लोकल टैक्सी ड्राइवर्स के लिए। जैसे कि हम पहलगाम जाते हैं वहाँ पे भी हमारी गेस्ट को अलाउड नहीं है, वहाँ पे भी उनको गाड़ी चेंज करनी पड़ती है। सोनमर्ग लेके जाते हैं वहाँ पे भी हमारी गेस्ट को अलाउड नहीं है, तो हम उनको पहले तो हम उनको बोलते हैं कि हम सब कुछ लेके जाएंगे। अब ये एक श्रीनगर ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हम अपनी गाड़ी से उनको हर एक पॉइंट टू पॉइंट लेके जाते थे। मैं पहले श्रीनगर की बात करता हूँ। यहाँ पे जो हमारे जो 5 पॉइंट्स आते हैं लोकल साइड से सीन में, इसमें शंकराचार्य टेम्पल आता है और चश्मे शाही, परी महल, निशात और शालीमार। जब यहाँ पे यात्रा का सीजन था नो डाउट तब बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे, तो उस टाइम यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जो भी बेटर समझा क्राउड को कम करने के लिए, उन्होंने शंकराचार्य टेम्पल बंद किया था और चश्मे शाही और परी महल को भी बंद किया था। चलो तब हमने अच्छे से कॉपरेट किया उनके साथ क्योंकि क्राउड था, लेकिन फिर जब क्राउड खत्म हो गया, यात्रा खत्म हो गया, शंकराचार्य टेम्पल उन्होंने रिलीज कर दिया हम लोकल्स के लिए, लेकिन ये शंकराचार्य ये चश्मा शाही और परी महल अभी तक भी बंद है, जिससे हम ड्राइवरों को बहुत ज्यादा भुगताना देना पड़ता है, हमें बार बार इस चीज की सफाई देनी पड़ती है गेस्ट को। वो बोलते हैं कि जब और गाड़ी जाती है आप ही की जैसी गाड़ी जाती है तो आपकी गाड़ी क्यों नहीं जाती है, फिर क्यों हमें आप बोलते हैं कि हम श्रीनगर आपको पूरा घुमाएंगे। हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ कमिश्नर हो, चाहे उसमें आरटीओ साहब हो या एआरटीओ साहब हो या डीकॉम साहब हो, जिन तक भी ये मेरी मैसेज पहुँचती है उन तक मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, ये हमें रिलीज कर दीजिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इससे परेशानी होती है। मेरा नाम जगन्नाथ है और पैसे से मैं एडवोकेट हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, अभी यहाँ एज ए टूरिस्ट आया हूँ। और यहाँ पर जो मुगल गार्डन है यहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो ओवरचार्ज कर रहे हैं, जिससे टूरिस्टों को बहुत परेशानी हो रही है, तो इसका ख्याल रखा जाए कि ओवरचार्ज ना हो और टूरिस्टों को परेशान ना किया जाए। नॉर्मल यहाँ हमें ट्रैफिक बताया गया था टैरिफ जो है 50 रुपये पर हेड, यहाँ पे उन्होंने 600 रुपये हमसे चार्ज किया पूरी गाड़ी का। पाँच जन यही है कि इसको जो देखा जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, अथॉरिटी देखे इसको भी, ओवरचार्ज ना करे, टूरिस्टों को परेशान ना किया जाए।